वेलकम बैक टू चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक डीयू का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि समर सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो समर में हमारी स्किन को और हमारे जो हेयर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उन सब से रिलेटेड वीडियो बारी बारी से मेरे चैनल पर जल्द ही आने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं आज के रिव्यू के बारे में। तो मैं ईवा ब्लश जो है इसका ही रिव्यू आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, समर के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि समर में हम ज़्यादातर परफ्यूम वगैरह का यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो उनकी फ्रेग्रेंस होती है वो काफ़ी ओवर होती है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी बॉडी को फ्रेश भी रखे और हल्की हल्की सी जो खुशबू है वो हमारी बॉडी से आए और हमारे जो स्वेटिंग की बदबू होने लगती है, जैसे अंडरआर्म्स में, स्पेशली अंडरआर्म्स में, तो उसको भी कंट्रोल करे। तो इसलिए जो ये डियो होते हैं ये समर के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट सीजन में मैं इसको यूज़ कर रही थी, तो थोड़ा बहुत ही प्रोडक्ट इसमें बचा है, तो अब तो रिव्यू शेयर करना बनता ही है। तो चलिए अभी बात करते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग की बात करें तो स्टील की जो इसकी ये पैकेजिंग है, तो इसमें जो ईवा में आपको 7 डिफरेंट ऐसे कलर में आपको ये जो डियो है ये मिल जाएंगे। तो मेरे पास ये रेड कलर वाला है, यानी कि ईवा ब्लश, तो इसका ही रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मैंने ब्लू वाला भी यूज़ कर रखा है, लेकिन वो मेरा ख़त्म हो चुका था तो मैंने फेंक दिया था। उसकी पैकेजिंग अभी मेरे पास नहीं है, तो रेड वाले की है, तो इसलिए इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो इसकी पैकेजिंग पे लिखा है कि इसमें अल्कोहल नहीं है और ये स्किन फ्रेंडली है। तो जी हाँ, ये अपने दावों पर खरा उतरता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है और आपकी स्किन पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको स्प्रे करें तो अपनी बॉडी से आपको 15 सेंटीमीटर दूर रखना है, तब आपको स्प्रे करना है। डायरेक्टली बिल्कुल सटाकर स्प्रे नहीं करना है, और आपको अपने कपड़ों पर भी डियो का स्प्रे नहीं करना चाहिए, आपको अपनी बॉडी पर करना चाहिए, लेकिन बॉडी से थोड़ा दूर रख के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। और स्पेशली ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े हैं उस पर तो नहीं करना चाहिए, हल्के कलर के कपड़ों पर तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन स्पेशली जैसे ब्लू और ब्लैक होता है उस पर नहीं करना चाहिए, फिर आपके कपड़ों पर इसका निशान रह जाता है। तो ये समर में हमारी बॉडी को फ्रेश भी रखेगा, हमारी बॉडी से हल्की भीनी भीनी खुशबू भी आएगी। तो जो हाउस वाइफ है या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल है उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है। ये डियो हमारे अंडरआर्म्स की जो पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, काफ़ी अच्छे से हमारी स्किन के साथ ये वर्क करता है, हमारी स्किन बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ती अगर हम इसको लगाएंगे, और ना ही हमें कोई भी ऐसे इरिटेशन वगैरह होगी इसको लगाने के बाद। ज़्यादातर देखा गया है कि कोई भी डियो हम जब यूज़ करते हैं, डियो या परफ्यूम, तो हमारी स्किन काली भी पड़ने लगती है और थोड़ा इचिंग भी होने लगती है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्किन फ्रेंडली है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया ही था। तो ये आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं, जहाँ से आपका मन करे आप इसको परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके जो प्राइस की, तो 130 का प्राइस है। तो सेम प्राइस में ही जितनी भी इसके 7 डिफरेंट कलर में आपको ईवा के जो डियो मिलते हैं इन सबका प्राइस सेम ही है, 130 में आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेल्फ लाइफ इसकी 2 ईयर्स की है, स्टील की इसकी पैकेजिंग है, लेकिन जो इसकी कैप है ये प्लास्टिक की है, तो इधर से अगर आप इसको हटाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा और आप इसको आराम से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने के बाद फिर से आपको इसको कैप अच्छे से लगा देनी है, ताकि आपका प्रोडक्ट लीक ना हो। वैसे इसमें लीक होने के कोई चांस नहीं है, आप इसको अपने बैग में आराम से कैरी कर सकते हैं, आप बाहर जा रहे हैं तब भी, ऐसा नहीं है कि आप बैग में रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट गिर जाएगा, इसके साथ ये कोई झंझट नहीं है। तो ये डियो स्किन फ्रेंडली है, तो आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, जब भी आप कॉलेज जाए तो इससे पहले आप इसको स्प्रे कर लीजिए, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरा दिन आपकी बॉडी पर ऐसे बनी रहेगी, काफ़ी लॉन्ग स्टे करती है इसकी फ्रेग्रेंस आपकी बॉडी पर। तो इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो भी बड़ा सा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, आपको पहले इसको शेक करना है, देन आपको स्प्रे कर लेना है। तो अभी मैं आपको स्प्रे करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए, अगर आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, सिंपल सी बात है, ये ज़्यादातर सभी को पता ही रहता है, लेकिन फिर भी रिव्यू कर रही हूँ तो चलिए मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। तो आपको ऐसे इसको स्प्रे करना है, तो देखिए आराम से आपका जो प्रोडक्ट है आपकी बॉडी पर लग जाएगा।
और काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, माइल्ड है, ओवर नहीं है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो अगर इस समर में आप अपने लिए कोई डियो लेना चाह रहे हैं तो एक बार आप ईवा जरूर ट्राई करना, काफ़ी जाना माना ब्रांड है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।